हेलो हेलो, क्या मेरी बात मिस्टर नागेश से हो रही है? नागेश बोल रहा हूँ। मिस्टर नागेश, मैं आपसे बैंक से बात कर रहा हूँ। अच्छा, कैसे बोल रहे हो? हाँ जी, बात कर रहा हूँ सर। मैं आपको बताना चाहता हूँ कि आपका जो डेबिट कार्ड है उसकी वैलिडिटी ख़त्म होने वाली है, तो क्या आप उसको अपना रिन्यू करना चाहोगे? ओहो, तो फिर से बैंक जाना पड़ेगा क्या? नहीं सर, अगर आप चाहते हो तो मैं यहीं से आपका कार्ड रिन्यू कर सकता हूँ। ओके, तो ठीक है, कर दो रिन्यू। हाँ जी ठीक है सर, उसके लिए आपको डेबिट कार्ड पे जो 16 अंकों वाला नंबर है वो मेरे को देना होगा। कार्ड तो फिलहाल मेरे पास नहीं होगा सर। कार्ड ले आओ ना, उसके बिना रिन्यू नहीं हो पाएगा। अच्छा रुको, ढूंढने दो। हाँ ये मिल गया, ये जो नंबर लिखा है ये बताना है। हाँ हाँ वही नंबर बताओ मुझे। हाँ फिर लिखो 6424 9127। सर उसके नीचे देखिए एक वैलिडिटी डेट लिखी होगी, ये है January 2017 लिखा है। सर उस कार्ड के यहाँ देखिए एक CVV सिक्योरिटी कोड लिखा होगा, वो बताओ सर। हाँ लिखो 809। सर आपका जो डेबिट कार्ड का जो पिन कोड है 4 अंकों वाला वो मुझे बताना होगा। पिन नंबर कैसे दे सकता हूँ मैं? सर उसके बिना नहीं हो सकता सर, पूरी प्रोसेस रुक जाएगी सर, प्रोसेस कंटिन्यू करना पड़ेगा। अच्छा ये ट्राई करो जरा 8055। भैया ये मेरे को मैसेज आया है, लिखा है कि इसमें से 50,000 निकल गए हैं मेरे अकाउंट से। भैया ये आपने निकाले हैं क्या? आप तो रिन्यू करने को कह रहे थे ना, मेरे पूरे बैंक डिटेल्स आपके पास चली गई है। भैया फ़ोन मत काटना, ये सारे पैसे मैंने अपनी माँ के इलाज के लिए इकट्ठे किए थे सारे रिश्तेदारों से। अरे ये पैसे मेरे नहीं है, बात को समझो ज़रा। बड़ी मुश्किल से इधर उधर से जमा किए थे मैंने आप पे विश्वास किया था और आपने पैसे निकाल रहे हो। अरे मेरी माँ की तबीयत बहुत ख़राब है, मैं हॉस्पिटल में खड़ा हूँ। अरे मुझे यहाँ पैसे जमा करने हैं भैया, अभी भी कुछ नहीं हो रहा है, प्लीज़ मेरे पैसे वापस कर दो। भाई सुन। हाँ भाई बोल। अगर किसी को पैसे वापस करने हैं तो हो सकता है? नहीं भाई, हमारा काम सिर्फ पैसा देना है, देना नहीं है, बस तू कॉल कट कर दे।